Let's go across to where Ravi Shankar Prasad is speaking to the media. In utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। यह देश आपकी पार्टी से बड़ा है, यह देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है, और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें, तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा। देयर इज अ जेंटल एडवाइस टू द कांग्रेस पार्टी, वी विश यू वेल, बट रियलाइज नाउ, द मोर यू अलाउ राहुल गांधी टू स्पीक, द मोर यू आर लूजिंग द ग्राउंड इन द कंट्री। अभी आप सोच लीजिए। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो हम क्या करें? तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। बाकी इनकम टैक्स का विषय है तो सरकार की ओर से बोला जाएगा, लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में, तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13A, देयर इज अ क्लियर प्रोविजन दैट द पॉलिटिकल पार्टी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दे फाइल देयर रिटर्न एवरी ईयर as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। अब थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो चिल्ला रहे हैं 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ क्योंकि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था। तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म। तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ना संजय मयूख को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और वो झूठ बोले हैं आज। अब देखिए, इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस बात को समझिए। इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया, इनका देखा गया। 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर ITAT जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। और 13 मार्च को क्या कहा, जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए। हाँ, कोर्ट रिमार्क दैट इट वाज बैडली हैंडल्ड मैटर and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021 merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, उनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई, आपकी पार्टी ITAT में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था कि आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94-95-53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14, 15 से 20, 21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे डॉक्टर पात्रा उस पर बोलेंगे क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। कूल। तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप। और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1/4 को सुनवाई है ना आपकी, आप ITAT अपील में गए ना, आप ट्राइबल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपके। वैसे क्या कहा जाए, मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली, वो भी केस चल रहा है। चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है, सोनिया जी आपकी हार तय है, देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आज आपने दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। I repeat, by this utterly irresponsible, shameful comment, Sonia ji, you and your son have shamed Indian democracy globally. मत करिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बाकी होता है, यही तो देश है। तो मुझे लगा कि ये फैक्ट सामने रखें। और राहुल गांधी के एनजीओ मित्रों से आग्रह है, उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए। क्यों उनकी जगह हसाई कराते हैं? आपके वो युवराज हैं, आपके लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यग्र हैं, तो थोड़ा सा रगाई पुताई ठीक से किया कीजिए। धन्यवाद।